किसी नगर में भद्रसेन नामक एक व्यापारी रहता था। व्यापार में घाटा हो जाने के कारण उसकी हालत कंगालों जैसी हो गई थी, इसलिए उसने परदेश जाने की सोची। उसके घर में पुरखों की बनवाई हुई एक पीतल की तराजू थी, जो बहुत बड़ी और बहुत भारी थी। उसने उस तराजू को एक सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया और स्वयं परदेश चला गया। लंबे समय तक परदेश में रहने से उसने खूब धन कमाया। अब वह अपने नगर वापस आ गया। नगर में आने के बाद वह सेठ के पास आया और बोला, सेठ जी, मैंने जो तराजू आपके यहाँ गिरवी रखी थी उसे मुझे लौटा दें। सेठ के मन में लालच था, इसलिए वह उसे तराजू नहीं देना चाहता था। अतः वह बोला, भैया, तुम्हारी उस तराजू को तो चूहे खा गए, अब वह मेरे पास नहीं है। भद्रसेन समझ गया कि सेठ के मन में बेईमानी आ गई है, अतः इसके सबक सिखाना ही होगा। यह सोचकर वह बोला, सेठ जी, यदि तराजू चूहे खा गए तो इसमें भला आपका क्या दोष, हर चीज़ समय पर नष्ट होती है। खैर, मैं नहाने जा रहा हूँ, आप अपने बेटे के हाथ तौलिया और तेल भिजवा दे। सेठ चोरी के डर से स्वयं वहाँ से हटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटे, तुम्हारे चाचा जी नदी पर नहाने जा रहे हैं, इसलिए तुम तेल व तौलिया लेकर चले जाओ। लड़का खुशी खुशी सामान लेकर भद्रसेन के साथ चल दिया। नहाने के बाद भद्रसेन ने उस लड़के को पर्वत की एक गुफा में छिपाकर उसका द्वार विशाल शिला से बंद कर दिया और स्वयं अपने घर आ गया। जब लड़का वापस नहीं आया तो सेठ ने भद्रसेन के पास आकर उससे पूछा, अरे भाई, तुम्हारे साथ मेरा बेटा नदी पर गया था, वह कहाँ रह गया? वह बोला, उसे तो नदी के किनारे से एक बाज उठाकर ले गया। सेठ गुस्से में बोला, तुम पगला तो नहीं गए? भला लड़के को बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है? भद्रसेन बोला, वैसे ही जैसे पीतल की भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं, इसलिए लड़का चाहिए तो तराजू वापस करो। इसी तरह झगड़ा बढ़ गया और दोनों न्यायालय में पहुँचे। न्यायालय में पहुँचकर सेठ ने चिल्लाते हुए कहा, सरकार, इस बदमाश ने मेरे लड़के का अपहरण कर लिया है और कहता है कि उसे बाज उठाकर ले गया। यह सुनकर न्यायाधीश बोले, क्या बकवास करते हो, भला बालक को बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है? इस पर भद्रसेन बोला, हजूर, जब एक मन की पित्तल कोई तराजू चूहे खा सकते हैं तो बालक को भी बाज उठाकर ले जा सकता है। न्यायाधीश की समझ में बात नहीं आई, वे बोले, तुम क्या कह रहे हो, विस्तार पूर्वक बताओ। इसके बाद उसने न्यायाधीश के सामने पूरा किस्सा बयान कर दिया। उसकी बात सुनकर न्यायाधीश ने साहूकार को डांट लगाई और उसे हुक्म दिया कि वह भद्रसेन की तराजू वापस करे। भद्रसेन से उसका पुत्र लौटाने के लिए कहा। इस प्रकार भद्रसेन ने सेठ को अच्छा सबक सिखाया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।